नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज इंटरटेनमेंट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़ी बगावत पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। ममता बनर्जी अब शायद सत्ता में नहीं रह पाएंगी। अब ममता बनर्जी की गुंडई नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनकी ही पार्टी के नेताओं ने बगावत शुरू कर दिया है। भारी मात्रा में नेताओं ने बगावत शुरू किया है और लगभग 78 सीटों पर प्रभाव जमाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने खासतौर से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी से उन्होंने दूरी बना ली। और खास तौर से उन्होंने जाहिर किया, अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब वो समय नहीं रह गया, पार्टी में उनको ध्यान नहीं दिया जाता, उन पर उनको इग्नोर किया जाता है पार्टी में। ममता बनर्जी पे कई आरोप भी लगाए। ममता बनर्जी पर अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। सारे आरोप आपके सामने बताएंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पे है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही हैं। वहीं बीजेपी के अमित शाह हों चाहे बीजेपी के अन्य नेता हों, सबने ताल ठोक दी है पश्चिम बंगाल में। और लगातार रैलियों के जो आह्वान हो रहे हैं और जो आगे चुनावी की लड़ाई शुरू हो गई, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की स्थिति आ गई है। सत्ता परिवर्तन की स्थिति इसलिए भी आ गई है कि ये जो मायने रखे जा रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी में बगावत शुरू हुई है, ये पार्टी के लिए काफ़ी खतरनाक है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह किसी भी उस गलती को सुधार लेंगी जो पार्टी के अतीत में की है। यानी कि उन्होंने बैकफुट पर खेला। ममता बनर्जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलतियाँ की हैं, पार्टी ने गलतियाँ की हैं और गलती को वो सुधारने के लिए तैयार भी हैं। ममता ने उन्हें रिझाने के लिए टीएमसी के वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ घोष को भी गोस्वामी की आवाज पे भेजा, लेकिन गोस्वामी जो कि नाराज हैं काफी ज्यादा, मिहिर गोस्वामी, उन्होंने आज पार्टी ही छोड़ दिया। यानी कि मिहिर गोस्वामी और शुभेंदु अधिकारी दो लोगों ने पार्टी से बगावत की। ये दोनों कद्दावर नेता हैं, टीएमसी के बड़े नेता हैं। इनके जाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी समाप्त जैसी हो जाएगी, या यूं कहें कि ऐसे बिखरेगी कि ममता बनर्जी भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ममता बनर्जी खुद कंफ्यूज हो गई हैं कि उनको कैसे संभाला जाए, क्योंकि मिहिर गोस्वामी ने तो साफ तौर पर मना कर दिया पार्टी में फिर से आने के लिए, और आज तो उन्होंने छोड़ ही दिया पार्टी, इस्तीफा दे दिया पार्टी के पद से। मोहर गोस्वामी ने पोस्ट किया, फेसबुक पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि असंतुष्ट विधायक मिहिर गोस्वामी ने कहा कि उनके लिए पार्टी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें अपमानित किया गया है। कूच बिहार दक्षिण में टीएमसी विधायक ने कई अवसरों पर कहा था कि वह अपमान सहकर भी मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठा के कारण पार्टी से चिपके रहे। यानी कि अपमान जो होता है, अपमान का बड़ा परिणाम आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से 22 विधायकों को तोड़कर सत्ता बदल दी, कांग्रेस की सत्ता गिरा दी, और आप सबके सामने है उपचुनाव होने के बावजूद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी रहे। बड़ी जीत उन सभी सीटों पे जहां पे कांग्रेस के विधायक थे, वहां पे अब बीजेपी के विधायक हो गए हैं। वही स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा होते दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सत्ता पहले ही बदल जाए? हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत में है, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी गिरेंगी और सरकार भी गिरेगी और घमंड भी गिरेगा, गुंडागर्दी भी गिरेगी, तानाशाही भी गिरेगी, क्योंकि वो पहले ही गिर चुके हैं। अब बार बार गिरने से अच्छा है कि एक बार भी गिरे, इसलिए आगामी चुनाव में गिरने वाली है ममता बनर्जी की सरकार। बीजेपी की सरकार इसलिए बनने का अंदेशा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, 18 सांसद जिताने में जिस तरीके से अमित शाह सफल रहे हैं, जिस तरीके से बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार रही है, इसलिए बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में भी राजनीति जिस मोड़ पे है, उस मोड़ पे यही आंकड़ा लगाया जा सकता है। गणित जो कह रहे हैं उन गणितों के अनुसार पश्चिम बंगाल में
सरकार ममता बनर्जी की आगे नहीं चलने वाली है, उसके साफ संकेत हैं ये, जो कि शुभेंदु अधिकारी और मिहिर गोस्वामी ने पार्टी छोड़ा। इन दोनों नेताओं का पार्टी में सैकड़ों विधायकों पर वर्चस्व है, यानी कि ऐसे सैकड़ों विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे अकेले इन दोनों पार्टी के नेताओं का प्रभाव है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी सरकार बनी और ममता बनर्जी के सरकार में सबसे प्रभावशाली ये नेता हैं। शायद इनके जाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी सरकार गिर सकती है, इसीलिए ममता बनर्जी ने प्रयास भी किया। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे अपने नेताओं को भेजा, अपने मंत्री को भेजा कि शायद उन्हें रिझा लें मिहिर गोस्वामी को, क्योंकि मिहिर गोस्वामी नाराज हैं इस वजह से कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है पार्टी में। तो ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि अगर पार्टी में कोई गलती हुई है, अगर उनसे पहले कोई गलती हुई है, तो वो सुधारने के लिए तैयार हैं। लेकिन शायद अब इन विधायकों ने, इन दोनों नेताओं ने यह भी भाप लिया है कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने वाली है। ममता बनर्जी जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करती हैं, एक खास समुदाय को प्रलोभन देती हैं, उनको खुश करने का प्रयास करती हैं, पुलिस की गुंडागर्दी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में होती है, इसके बाद ये चीजें एकदम स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की जनता आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को नहीं चुनेगी। तो ये नेता भी उस व्यक्ति के साथ जाना पसंद करेंगे जो कि सत्ता में आने वाली है, या यूं कहें कि जो राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, बंगाल की बात तो करती ही है, खास तौर से बांग्ला संस्कृति की बात करती है, पश्चिम बंगाल की विराट संस्कृति, जिस संस्कृति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करती है, स्वामी विवेकानंद की बात करती है, इस पार्टी के साथ वहां की जनता खड़ी है। संकेत 2019 में दिख गया, 2018-19 में जिस तरीके से सांसद जीते भारतीय जनता पार्टी के, जिसके कभी एक दो सांसद हुआ करते थे, उसने इस तरीके से 18 सीटों पे अपने चुनाव जीता है, तो उससे संकेत साफ है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और जो सरकार बनने वाली होती है उसके पक्ष में विपरीत पार्टी के कुछ नेता तो टूटते ही हैं। अब चूंकि ये नेता नाराज हैं, इनको अपने पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है, इनको लगता है कि पार्टी का भविष्य ज्यादा नहीं है, इसलिए जाहिर तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी के ही साथ आएंगे। बीजेपी के लिए भी ये प्लस पॉइंट है कि इतने बड़े नेता, इतने लोकप्रिय नेता जिनका प्रभाव लगभग 100 विधानसभा सीटों पर है, ऐसे नेता अगर बीजेपी में आते हैं तो चुनाव एकदम से क्लियर है, यानी कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपको बता दें कि मिहिर गोस्वामी ने अपने फेसबुक पोस्ट में एक और पोस्ट किया, उन्होंने कहा जिन लोगों को मेरा निर्णय उचित लगा मैं उन्हें बता दूं कि पार्टी के भीतर पिछले 10 वर्षों में मुझे नजरअंदाज किया गया। मेरे सर्वोच्च नेता के साथ इस मामले को उठाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सभी सहिष्णुता स्तरों को पार करने के बाद मैंने महसूस किया कि वर्तमान टीएमसी वही पार्टी नहीं है, वह पार्टी नहीं है जो मैंने 2 दशक पहले ज्वाइन की थी, यानी कि उस समय की पार्टी नहीं है जिस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। आज वो पार्टी है जो खुलेआम खुलकर गाली देती है भारतीय जनता पार्टी को, जो खुल के गाली देती है राष्ट्रवादी नेताओं को, जो कोसती है जय श्री राम को। जय श्री राम के नारे लगाने पर ममता बनर्जी जिस तरीके से भड़क जाती हैं, ये संकेत है कि अब टीएमसी वो पुरानी पार्टी नहीं रह गई। वो पुरानी पार्टी जिसने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो ममता बनर्जी जिसने वामपंथियों से मार खाया, जो वामपंथियों से लड़ी और वामपंथियों से लड़ने में उसका सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आज उसी बीजेपी पार्टी के खिलाफ ममता बनर्जी जितना हो सकता है उतना बोलती हैं और गठबंधन करती हैं ओएसी जैसे कट्टर नेताओं के साथ, और विचारधारा कांग्रेस का उनका ममता बनर्जी का हो गया है, यानी कि ममता बनर्जी की सरकार वो ऐसी नहीं रही, और खुद जिस गुंडे राज को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ा करती थी, यानी जो वामपंथी गुंडे थे उनसे लड़कर सत्ता में जिस तरीके से आई, आज वही सरकार वही स्थिति में कायम कर दी है ममता बनर्जी ने। आज पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जनता को बदलाव की आवश्यकता है, जनता बदलाव चाहिए जनता को। गोस्वामी ने पहले भी दावा किया था कि पार्टी अब ममता बनर्जी के हाथों में नहीं रही, और कुछ महीने पहले जिला पर्यवेक्षक के पद से हटने के बाद उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की। बिना नाम लिए ममता बनर्जी के नेताओं को संदेश देते हुए कहा टीएमसी ठीक कर देगी अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो, ये ममता बनर्जी ने दिया था।
कोई गलतफहमी हो सकती है या कोई व्यक्ति कुछ व्यक्तियों से नाराज हो सकता है, लेकिन कृपया पार्टी के लिए गलतफहमी न पालें। कुछ लोगों को शिकायत है कि कौन किसे कौन किस जिले के पार्टी पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं पूरे राज्य के लिए पार्टी की पर्यवेक्षक हूँ। जब आप किसी राजनीतिक दल में होते हैं तो आपको हर किसी के साथ लेने के चलने की जरूरत होती है। ऐसे तमाम प्रयास की कोशिश की ममता बनर्जी ने, लेकिन असफल रही। अब बगावत शुरू हो चुकी है। इतने बड़े नेताओं के जाने की बात यह स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रहा है कि मिहिर गोस्वामी और शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो पार्टी को तोड़ चुके हैं और पार्टी से कई विधायक नाराज होकर निकलेंगे। एक बड़ा खेमा पार्टी से अलग हो सकता है और पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल सकती है। जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, अपडेट्स देखते रहिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति होती है, उस पर हम समय समय पर विश्लेषण करके दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।